वर्ल्ड कप के शुरू होते ही एक बार फिर से क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाला गिरोह सक्रिय नज़र आने लगा है, जिसके चलते शहर के युवा उनकी गिरफ्त में नज़र आ रहे हैं। कई जगह पर फ़ोन पर भाव पूछते हुए नई उम्र के युवक आसानी से नज़र आ जाते हैं। इसी के चलते शहर में चिन्हित स्थानों पर पुलिस भी कार्यवाही हेतु तैयार बैठी है। नागपुर नाका, पाठाढाना क्षेत्र, गोलगंज में रोड, बुधवारी रोड, बाजार, छोटी बाजार, बड़ी माता मंदिर के पास और बैल बाजार क्षेत्र समेत सनीचरा बाजार में यह गिरोह सक्रिय है। आगामी समय में पीड़ित पक्ष के साथ एमपी की बात की न्यूज़ सट्टा खिलाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश करेगी। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने भी इन कामों में संलिप्त आरोपियों को आगाह किया। वर्तमान समय में वर्ल्ड कप चल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं इसमें वर्ल्ड कप से जुड़ करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपना फायदा उठाने के लिए युवाओं को कहीं दूसरी ओर उनका रुख करने की कोशिश करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे साथ में हैं, हम उन्हीं से डायरेक्ट जानेंगे कि सर जो वर्तमान समय में चल रहा है हाईटेक होते जा रहा है क्रिकेट पे सट्टा लगाना, छिंदवाड़ा पुलिस भी लगातार सक्रिय है, तो इनको लेकर के क्या प्लानिंग है? देखिए, जुआ सट्टे अधिनियम के तहत जितने भी कानूनी रोक है उनका सख्ती से हम पालन करेंगे और आदर्श आचार संहिता को रखते हुए इस पर हम और कड़ी नज़र रख रहे हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स की आड़ में इस चीज़ को मतलब और बढ़ावा ना मिले। आईपीएल के समय भी ऐसी गतिविधियों में वृद्धि आती है और वर्ल्ड कप के समय भी इसमें वृद्धि आने की पूरी संभावना है। तो हमारा युवा से यही मैसेज है, स्पेशली यदि आप फ़ोन से जुड़ते हो, आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन से जुड़ने के बाद जो भी लिंक रह जाता है वो परमानेंट होता है। उसको आप जितना भी डेटा डिलीट कर ले, फ़ोन फॉर्मेट कर ले, वो चेंज नहीं होता है और परमानेंटली ये बात आ जाती है साइबर रेल में कि आपने इस व्यक्ति से संपर्क किया है और उसका कोई ना कोई मॉनिटरी एक्सचेंज हुआ है। यदि ऐसे व्यक्ति का फ़ोन जब्त होता है, जो हम कर्तव्यबद्ध हैं, हम समय समय पर सट्टों पर क्रैकडाउन करेंगे, इन्फॉर्मेशन के आधार पर वर्किंग करेंगे, जो भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है वो भी कानून की दृष्टि में अपराधी बन सकता है। तो आप लोग सतर्क रहें, ऐसे लुभावने ऑफर से दूर रहें। जो भी वायलेशन ऑफ लॉ है उस समय यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति जो है वो पढ़ने लिखने वाला है, अच्छे परिवार से, आपने वायलेशन किया है तो आप पे कार्रवाई होगी। तो यूथ को हमारा बड़ा स्ट्रांग मैसेज है, स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ गैम्बलिंग एक्टिविटीज एंड यदि कोई ना कोई लिंक होता है तो आप पे पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। नहीं, अगर इस बीच जैसे कुछ युवा हैं अगर वो फंस गए हैं और वो इसमें सुधार करना चाहते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करके पुलिस को सूचना देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या? आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि कोई भी सूचना किसी के पास हो, मेरे पास पर्सनली आइए। एसपी छिंदवाड़ा का ऑफिस हमेशा खुला है आपके लिए। आप हमारे एडिशनल एसपी, साइबर एक्सपर्ट जो पुलिस कंट्रोल रूम जो ये मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास है, वहाँ पर आप कभी भी जा सकते हैं। प्लीज़ शेयर द इन्फॉर्मेशन। यदि आप विक्टिम हैं इस चीज़ के तो आपका पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा, आपके स्टेट में दर्ज हो सकता है कोई अच्छी कार्रवाई हो जाए और आपकी गोपनीयता भी रखी जाएगी। तो ट्राई एंड मेक श्योर कि इफ़ देर इज़ एनी थिंग जो आपके संज्ञान में आती है, प्लीज़ शेयर विद अस। थैंक यू। तो वर्तमान समय में वर्ल्ड कप चल रहा है और अगर युवा का इस ओर रुख हुआ है और वो परेशान है इन लोगों से जो लगातार युवाओं का रुख मोड़ करके इन तरीके के मामलों में उलझाने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस अधीक्षक का खुला न्योता है कि आपके लिए ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। पुलिस के लगातार नंबर भी सर्कुलेट होते हैं, आप उनसे संपर्क करें और इस दुविधा के समय में पुलिस आपके साथ खड़ी रहेगी।